भाई वैसे तो क्रिकेट में लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन जो कल हुआ भाई साहब वो तो कुछ अलग ही लेवल का था। ऐश अन्ना की बॉल पर डीन एल्गर सीधा LBW आउट हो गए और अंपायर ने आउट दे भी दिया, लेकिन एल्गर भाई साहब ने रिव्यू लिया सिर्फ इस उम्मीद में क्या पता बॉल के अचानक से पंख लग गए हो और क्या पता बॉल उड़ने लगी हो। लेकिन भाई जो DRS बॉल ट्रैकिंग में निकल कर सामने आया भाई, उसे देख कर तो मैंने अपनी आंखें फोड़ ली। मतलब मिसिंग स्टंप भाई, एक बार को अंपायर कॉल होती ना मैं अपने आप को जैसे तैसे समझा भी लेता, लेकिन मिसिंग स्टंप्स भाई इसने तो मेरी फिजिक्स की मां बहन कर दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई साहब अंपायर खुद सदमे में चला गया था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, और विराट और ऐश अन्ना तो गुस्से में पागल ही हो गए थे। वो तो शुक्र है डे 3 के खत्म होते होते एल्गर आउट हो गया, वरना कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता। यार ये मैच चल रहा है या फिर हम जैसे सिंगल लोगों की दर्द भरी कहानी। मतलब फर्स्ट इनिंग में विराट भाई अकेले बैटिंग कर रहे थे और सेकंड इनिंग में हमारे स्पाइडरमैन उर्फ पंत भैया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहाँ पर अच्छे खासे प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा कि भाई रन कैसे बनाए, विकेट कैसे बचाए, वहाँ पर इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर कोहली भैया 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहाँ पर हमारे पंत भैया अपने ही स्टाइल में 72 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इनका अलग ही स्वैग है भाई, इन्होंने शास्त्री जी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच। बेचारे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स टेंशन के मारे आधे से ज्यादा तो सर के बाल नोच नोच के टकले हो गए। वो बस यही बोल रहे हैं कि भाई इस पागल को कहां से उठाकर लाए हो। फाइनली भाई फाइनली जिस चीज का हमें बरसों से इंतजार था वो देखने को मिला। क्या रहाणे भाई की रिटायरमेंट? अरे नहीं पागल, अपने कोहली भाई की सेंचुरी। अब आप सब सोच रहे होंगे वो कैसे, पहली इनिंग में 79 रन्स और दूसरी इनिंग में 29 रन्स, टोटल कितना हुआ 108 रन, तो बन गई ना सेंचुरी। अबे साले अब क्या करें भाई, किसी ना किसी तरीके से दिल को तसल्ली देनी पड़ती है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।